ज्वालामुखी में राइजिंग टैलेंट क्रिकेट एकेडमी का शुभारंभ ज्वालामुखी पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी पुरुषोत्तम दिमाग ने किया। ये एकेडमी ज्वालाजी क्षेत्र में लॉरेंट ग्लोबल स्कूल कथोग में स्थापित की गई है। इस एकेडमी के ट्रायल में लगभग 100 से अधिक लड़कों और लड़कियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। ज्वालामुखी में राइजिंग टैलेंट क्रिकेट एकेडमी का शुभारंभ ज्वालाजी पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी पुरुषोत्तम दिमान द्वारा किया गया। ये एकेडमी ज्वालाजी क्षेत्र में लॉरेंट ग्लोबल स्कूल कठोग में स्थापित की गई है। इस एकेडमी के ट्रायल में लगभग 100 से अधिक लड़के व लड़कियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। मुख्य अतिथि थाना प्रभारी पुरुषोत्तम दिमान ने एकेडमी को शुभकामनाएं देते हुए बच्चों को नशे से दूर रहने की सलाह दी। राइजिंग टैलेंट क्रिकेट एकेडमी के हेड कोच ऋषभ चौहान ने बताया कि इस एकेडमी के खुलने से स्थानीय बच्चों के खेल में निखार होगा और उनकी प्रतिभा को सुधारने का मौका भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में अगर कोई इच्छुक व्यक्ति या बच्चा इस एकेडमी में प्रवेश लेना चाहता है तो वे हेड कोच ऋषभ चौहान से संपर्क कर सकता है। आपको बता दें कि ऋषभ चौहान क्रिकेट के अंतर्राष्ट्रीय सर्टिफिकेट कोच भी हैं। आज ये जो लॉरेंट स्कूल में क्रिकेट अकेडमी का शुभारंभ हुआ है, एक बहुत ही अच्छी पहल है। इसमें जो बच्चे यहाँ पे सीखने के लिए आएंगे उनको एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा आगे खेलने के लिए। इनको एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है और जो बच्चे यहाँ पे खेलेंगे ये नशे से भी दूर रहेंगे और ये एक इस इलाके में बहुत ही अच्छी पहल है। स्कूल प्रशासन और मिस्टर ऋषभ, मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और बेस्ट विशेष देता हूँ। टैलेंट क्रिकेट एकेडमी हमने शिमला में स्टार्टिंग में स्टार्ट की थी, इसको 1.5 साल हो गया। अब हम यहाँ पे ज्वालाजी में अपने कांगड़ा में स्टार्ट कर रहे हैं अकेडमी लॉरेंट ग्लोबल स्कूल में। मैं सबसे आह्वान करना चाहता हूँ कि यहाँ पे आइए, ये एक ओपन अकेडमी है। अंडर 12, अंडर 15, अंडर 19 के बच्चे भी यहाँ पे परीक्षण ले सकते हैं। और इसी के साथ हम यहाँ से कल से हम अकेडमी स्टार्ट कर रहे हैं और यहीं के जो स्थानीय लोग हैं इनको मैं जागरूक करना चाहता हूँ कि क्रिकेट खेलने से इनके बच्चों को काफ़ी लाभ मिलेगा और आगे जाके बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है क्रिकेट में। तो आइए हमारी अकेडमी में, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, हमारे कोचिंग फैसिलिटी देखिए और हम कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले टाइम में हम देश और प्रदेश के लिए अच्छे प्रतिभा निकालें और उनको अच्छा क्रिकेट यहाँ पे सिखाएं। ओके।